वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज नाउ ब्लॉगिंग विद अनदर एक्सपोजिंग वीडियो। और गाइस फाइनली आज मैं अपनी हॉरर सीरीज वाले वीडियो को एक्सपोज करने वाला हूं। उसके बारे में आप लोग को सारे जो राज थे ना वो आज रिवील्ड करने वाला हूं कि मैं कैसे अपनी हॉरर चैलेंजेस जो थे वो सूट करता था, क्या क्या मैं उसमें इफेक्ट डालता था, क्या जो घटनाएं होती थी वो मैं सच में करता होता था या मैं खुद करता था गाइस। तो आज मैं सारा सच जो है ना आज इस वीडियो में बोलने वाला हूं। और साथ साथ बहुत लोगों को इस सच के बारे में इंतजार था। हालांकि कुछ लोग थे जिनको पहले से मालूम था कि ये फेक है, कुछ लोग थे जिनको लगता था कि हाँ एडिटिंग के थ्रू हुआ था, कुछ इफेक्ट डालने के थ्रू हुआ था, तो वो एक तरह से सही थे दोस्तों, ऐसी बात नहीं, वो गलत नहीं है, अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि कुछ लोग ऐसे थे, 50% मेरे व्यूअर्स ऐसे थे जिनको रियल भी लगा था, वो मुझसे ये सवाल करते क्या सच में भूत आप लोगों ने देखा, जो आपके साथ हुआ घटना वो क्या सच था, या साथ ही साथ यार मतलब बहुत से लोग तो डर के मारे कुछ अलग ही अपना भावनाएं किए थे प्रकट, वो भी डीएम मुझे बहुत ज्यादा आता है, सच बता रहा हूँ। स्टोरी डाला था तो उस वक्त भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, और साथ साथ मेरी जो घोष सीरीज चला था ना वो भी सारे जो वीडियोस थे ना बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे अदर वीडियो के मुकाबले, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने वो सीरीज चलाया था। और हालांकि मैं एक और बात बता दूं कि वो जो सीरीज मेरा चलाने का मेन मकसद था वो सारे चैलेंजेस को एक्सपोज करने का था, लेकिन मैं एक्सपोज किसी को करता नहीं था। क्यों? क्योंकि यार देखिए मैंने पहले वीडियो एक्सपोजिंग की बनाई थी तो उसमें अच्छा इफेक्ट मतलब कहते हैं ना व्यू रेटिंग अच्छा नहीं आया था, तो मैंने सोचा पहले घोस्ट सीरीज बना लेता हूँ, 10-20 चैलेंजेस करने के बाद ना मैं उनको एक्सपोज करूंगा एक साथ। तो फाइनली यार बहुत लोग मेरा इंतजार कर रहे थे इस वीडियो का, मैं जानता हूं, लेकिन सॉरी दोस्तों लेट हो गया। हालांकि मैं कब से सोचा था इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं लेकिन नहीं बना पा रहा था किसी कारणों की वजह से, लेकिन आज फाइनली मैं वीडियो बना रहा हूं गाइस। तो मेक श्योर वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, 15 लाइक का इस टारगेट है, तो आई होप कि आप लोग कंप्लीट कराओगे। साथ ही साथ कमेंट तो करना ही करना कि कैसी लगी थी मेरी हॉरर वीडियोस। और हाँ गाइस, जिन्होंने अभी तक वीडियोस देखी नहीं है, जो कंफ्यूज है कि मैं कौन सी वीडियोस के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसा क्या था वीडियो में जिसको सबको इंतजार था, वो खासकर स्पेशली नए व्यूअर्स के लिए, तो आई बटन में आपको मेरी सारी हॉरर वीडियो की सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी, तो वहां से जाइए और चेकआउट कीजिए गाइस, बहुत ही बेस्ट है वीडियो, तो एक बार मेक श्योर चेकआउट कीजिएगा। तो साथ ही साथ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, और बेल आइकन दबाइएगा हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए और हमें भी सपोर्ट करने के लिए गाइस। तो गाइस बहुत लोग को अभी कंफ्यूजन हो रहा कि यार मैं अपनी वीडियोस को एक्सपोज क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ। और मैं साथ ही साथ ये भी जानता हूँ कि बहुत से लोग को जिनको पहले से पता था वो भी सोच रहे हैं कि क्या चुतियापा कर रहा है, उन लोगों को मुझे पहले से पता ये सब, तो मुझे पता है यार गाइस बहुत लोग के दिमाग में होगा। हालांकि मैं जब ये सीरीज स्टार्ट किया था ना तो बहुत लोग के उल्टे इफेक्ट भी आते, कॉमेंट्स आए थे कि क्या ये मतलब बना रहे हो, ऐसी उल्टी सीधी मतलब वीडियोज बना रहे हो, क्या इस सब वीडियो में रखा हुआ है, देखना कहीं करते करते सच में ना कुछ भूत आ जाए, तो ऐसे बहुत से कॉमेंट आते थे गाइस। लेकिन मैं फिर भी वीडियो को शांति से बनाया करता था क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक ना एक दिन सारे वीडियो को एक्सपोज करूंगा, तब उनके मन में कुछ ना कुछ होगा। और मैं सच बताऊंगा गाइस, एक्सपोज करने के बाद भी आज उन बंदों के मन में ना उल्टा ही होगा, तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता गाइस। लेकिन जिन बंदों ने वीडियोस देखा था, जिनको थोड़ा इफेक्ट लगा था और जो लोग को रियल लगता था, तो आज उनके लिए वीडियो है गाइस, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जिनको बहुत से रात में वीडियो देखने के बाद डरे हुए थे और मुझे स्पेशली दिन में कमेंट करते थे कि रात भर सोया नहीं, तो ऐसे एक्चुअली कमेंट्स सुन के ना मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता था कि मतलब मैं जो इफेक्ट डालता था ना वो लोगों को पसंद है, वो थोड़ा डरावने लगे थे। तो बहुत सी चीजें हुई थी गाइस जो कि हॉरर सीरीज चलाने के बाद मुझे अच्छे अच्छे इफेक्ट, व्यूज रेट मेरे बढ़े थे, सब्सक्राइबर तक बढ़े थे गाइस, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बढ़ा था, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन फाइनली अभी मैं इसलिए एक्सपोज करूँ क्योंकि बहुत लोग सोचे कि एक्सपोज कर क्यों ना हूं, तो इसका कारण है कि मैंने आप लोग को जैसा बताया कि मैं जब सारे वीडियो को कवर करने के बाद करने वाला था, तो एक्चुअली मैंने सारे वीडियो को कवर कर लिया जो मेरे लायक करने लायक था। बाकी कुछ ऐसे चैलेंजेस थे लेकिन उसके लिए मेरे पास वो इक्विपमेंट नहीं थे, वो जगह नहीं था, वो प्लेस नहीं था, वो सिचुएशन नहीं था, तो मैं उस मतलब नहीं कर पाया था। फिर सोचा कि यार इतने दिन बंदों को मतलब रोकने से अच्छा है कि आज मैं उन लोग को बता दूं जिन लोग को जानना था कि क्या सच में भूत होते हैं, क्या सच में मतलब मेरे साथ जो वीडियोस में घटना होती थी वो रियल थी या फेक। तो गाइस सारी घटनाएं जो थी वो फेक थी, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जो रियल हुआ था। हालांकि कुछ चीज़ों को छोड़ के, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कौन कौन सी चीज़ें थी। तो आप लोगों ने शुरू से मेरी हॉन्टेड नंबर सीरीज देखा था, बहुत से चैलेंज देखे थे, तो मैं एक एक चीज़ें करके आपको मैं बताऊंगा। तो मेरा पहला सीन था कि आप लोग खुद देख लीजिए, तो ये मेरा पहला सीन था कि कोई भी सामान गिर जाता था। गाइस अभी आप देख सकते थे बहुत ज्यादा यार इस बार हुआ तेज आवाज, और इस बार मुझे लग रहा है कोई तो आप
आप लोगों को पता है मैं मतलब कुछ रिचुअल कर रहा हूँ और अचानक कोई चीज पीछे से गिर जाना, आगे गिर जाना। तो गाइस एक्चुअली वहाँ क्या होता था ना कि मैं जैसा आपको बोलता था वीडियोस में कि मेरा भाई सो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं था, भाई जगा रहता था और उसको मैं मतलब कि किचन में या कहीं भी भेज देता था उस चीज को गिराने के लिए। गाइस ऐसे टाइम पे कि मतलब हम लोग पहले से डायलॉग को जो था वो प्रिपेयर करने के बाद हमने डिसाइड किया था कि इस डायलॉग के बाद हम लोग को इस डायलॉग में गिराना ही गिराना है। और हालांकि उसको रिटेक करने में हमें 10-20 रिटेक करना पड़ता था गाइस, तो बहुत मेहनत लगता था, ऐसा नहीं था कि एक ही रिटेक में हो जाता था। कभी कभी तो मैंने आग वाला किया था, आप लोग एक बार देख लीजिए। गाइस आई रियली डोंट नो, एक सेकंड आप देखना चाहिए आपको। गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पेपर जला हुआ है, आई डोंट नो हाउ। तो आप लोग देखा ये आग वाला मैंने सिचुएशन किया था, तो इसमें क्या था ना कि इसमें मैंने डाला कुछ नहीं था, मैंने मतलब कि इस वक्त इस दिन वाले में मेरा भाई सो गया था और इस वक्त मैंने क्या किया था कि पेपर को पहले आग लगाया और उसके बाद वहां पे जला कर रख दिया। और फिर मैंने क्या किया था, गेट को जो नॉक करना था ना वो गेट को मैंने पहले से नॉक करके उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया था और यहाँ रख दिया था। और मैंने ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट किया था ना कि मैं बोलते बोलते चौंक गया और वहां पे अपना वो ऑडियो जो रिकॉर्ड किया था ना उसको डाल दिया और उसके बाद उठ के गया, तो वहां पे आप लोगों ने देखा कैसे कैसे गिरा हुआ था, ये सब था इफेक्ट में गाइस। और उस वक्त थोड़ा वीडियो को और डरावना बनाने के लिए मैं क्या क्या करता था मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी आपको कुछ चीजें आपको मैं रियलिटी बताऊं जो मेरे साथ असलियत में भी घटना हुआ था, तो वो कुछ ऐसी चीजें थी ना गाइस, जैसे कि मैं एक बार अपनी वीडियो रिव्यू कर रहा था, जिस वक्त क्या हुआ था ना कि अचानक मोमबत्ती में हाथ को ऐसे करता था तो सच में मोमबत्ती बुझ गया था। गाइस आई डोंट नो उस वक्त हुआ क्या था, आप मेरी वीडियोस को देख लीजिए। एक बार देखा था लेडीज ने जमीन पे हाथ रखा था, तो आप लोग देख लिए गाइस कि मैंने जैसे ही बोला अचानक ही मतलब मोमबत्ती बुझ गया, तो ये थोड़ा सा मुझे भी लगा था गाइस, अब डर भी था और मोमबत्ती बुझने के कारण कई हो सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसा कुछ हुआ होगा उल्टा, लेकिन बुता था तो उस वक्त मुझे थोड़ा डर भी लगा था गाइस कि हुआ क्या अचानक। और लेकिन उस वक्त भी मैंने वीडियो में कुछ ज्यादा ओवर किया था कि उस वक्त भी मैंने कुछ किचन में गिराया था, हालांकि अभी मैं वीडियो नहीं डालूंगा, इतने क्लिप डालूंगा तो गाइस वीडियो तो बड़ा होगा, उसका एडिटिंग में भी दिक्कत होगा। और साथ ही साथ कुछ कुछ घटनाएं में ऐसा हुआ था ना कि मैं जैसे मैरी चैलेंज कर रहा था तो पीछे से मुझे ऐसा लगा था कुछ आवाजें आई थी। तो गाइस कभी कभी क्या होता है ना, सिचुएशन ऐसा होता है कि हम लोग क्या कहते हैं कि कभी कुछ ज्यादा डर जब हमारे अंदर बैठ जाता है ना, तो ऐसे कुछ घटनाएं जो होती है ना वो हो जाती है गाइस, मतलब डर एक अंदर दिमाग में बैठता है। मैं रियलिटी बताऊं तो घोष जैसी उतनी चीजें है नहीं, मैं जहां तक अभी तक किया हूं मुझे कोई भी ज्यादा ऐसा कोई रिस्पांस नहीं मिला था, घोष टाइप कुछ भी नहीं मिला था गाइस, सच बता रहा हूं। और बहुत से जो रिस्पांस मुझे मिला था वो एक तरह का दिमाग का डर था गाइस, वो वहम बन गया था। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब हमारा माइंड कहीं और होता, स्टेबल नहीं होता, तो उस वक्त कुछ अंदर से अजीब अजीब होते हैं घटनाएं और वो हमें लगता है कि रियलिटी हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। तो बहुत लोग हैं, आई नो दैट कि बहुत लोग जानते होंगे पहले से कि ये सब है, क्या बकवास करो, तो आप लोगों के लिए नहीं गाइस जिनको लग रहा है बकवास है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको पता चलना चाहिए था गाइस, पता चलना चाहिए था सॉरी कि ये क्या सच में मतलब मैं क्या करता था, कितना डरावना। तो गाइस मैंने अभी कुछ बताया कि मैं हर घटना में कुछ ना कुछ सिचुएशन में वीडियो को कट पेस्ट करके यहाँ पे डालता था। एक और गाइस आप लोग को पता होगा मैंने कैट वाली वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो उसमें डायलॉग हो रहा था, तो उसका मैं बता दूं कि उसमें क्या करता था कि मैं डायलॉग को पहले अपना क्वेश्चन रखता था, उसके बाद अपनी आवाज को चेंज करके दोबारा थोड़ा अलग साउंड में बोलता था और उस ऑडियो को कॉपी करके दोबारा वहीं पे डाल देता था। वहां पे पहले कुछ बोल देता था, फिर वहां से मैं अलग से ऑडियो भी करता था, उसको कट पेस्ट करके वहां पे डाल देता था कि क्वेश्चन के तुरंत मुझे आंसर मिलता था। आप लोग देख लीजिए, अरे वो घोष रेंजला सुना। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया, तो यार मतलब मैंने वीडियो में बहुत ज्यादा अलग अलग तरह में बहुत एडिटिंग लगता, और सच बता रहा हूँ गाइस उस वीडियो के चक्कर में मैं दिन दिन भर सो भी नहीं पाता, मतलब रात रात भर सो नहीं पाता, सॉरी दिन में सोता था। और उस वक्त बहुत ज्यादा लोगों ने तो मुझे कमेंट भी किया था, बट बहुत सारे जो मतलब फ्रेंड्स थे उन्होंने बोला कि क्या दिन में सो रहे हो, बहुत लोग थे लेकिन उनको नहीं पता गाइस कि यार अगर आप 3 बजे जग कर रहे हो उसके बाद वीडियो एडिट कर रहे हो पूरी रात, मतलब शूटिंग के बाद आपको एडिटिंग करना पड़ता है जिसमें मुझे 2 घंटे लगते थे, इतनी ज्यादा एडिटिंग आप लोग को पता ही चल गया होगा कि इधर से वो सामान गिरा को पेस्ट करो इधर से वो पेस्ट करो, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो मैं ये भी कहूंगा कि बहुत लोग सोचते हैं कि आप फेक दिखा रहे हैं क्या बकवास, तो यार आप देखो फेक बकवास देखो उससे कोई मतलब नहीं है, खासकर आप फेक और बकवास वही लोग बोलेंगे ना जो आपके जानने वाले होंगे या जो हेटर्स होंगे, तो मैं उनको बताऊंगा इसकी देखो जज करो सही है, लेकिन यार फिर भी देखो एक तरह से ना उसकी एडिटिंग स्किल को भी देखना जरूरी होता है जो उस हिसाब से मैंने किया था। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारे जो है उनको भी मैं रिस्पेक्ट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यार उनकी एडिटिंग स्किल थी वैसी कि जिससे हम लोग के अंदर डर बैठा करता था और मैं भी वही कोशिश करता था। हालांकि मैं आपको बताऊं कि वो सारे सिचुएशन करने से डर नहीं आता था, मेन जो परत थी ना वो थी एक साउंड इफेक्ट जो मैं हर रिचुअल करने वक्त मतलब एक बैकग्राउंड साउंड चलाया करता था जो कि बहुत ही ज्यादा थोड़ा क्रीपी था, डरावना लगता था गाइस, जिसकी वजह से सिचुएशन और ज्यादा डरावना हो जाता था, मतलब कि मैं जो भी करता था ना वो थोड़ा डरावना टाइप लगने लगता था। जैसे अभी मैं म्यूजिक टाइप डाला हूँ बैकग्राउंड में, मुझे पता है क्योंकि अभी डरावना डालने का कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं इसमें डरावने इफेक्ट डालूंगा ना डरावने साउंड को तो उस वक्त थोड़ा डर सा बैठता और कुछ भी चीज करते ना डरावना तो वो थोड़ा डरावना टाइप लगता था। मैं बहुत सारी चीजों
को मिक्स करता था गाइज, आपको पता है एडिटिंग बहुत ज्यादा हार्ड होती थी, उसके हिसाब से मैं करता था। तो मेरा एंड ऑफ द टॉपिक यही है कि वो सारे चीज जो थे फेक थे, उसमें मैं इफेक्ट डालता था और बहुत सी चीजें अपने भाई से करवाता था, बहुत सी चीजें मैं अपने भाई से कराता था। बाकी गाइज मेरे को और कुछ बोलना नहीं है, हालांकि अभी मेरे पास कोई चैलेंज है इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी मेरी लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग चल रही है तो उसे भी थोड़ा सपोर्ट करो, उसमें भी आजकल रिस्पांस अच्छा आ रहा है, नो दैट, फिर भी थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। बाकी वीडियो को हम यही एंड करेंगे क्योंकि ज्यादा इसमें एक्सपोज करने लायक नहीं था, बस मैं यही बताना चाहता था। तो बहुत लोग कंफ्यूजन था रियल घोस्ट, तो यार मैं बता दूं कि घोस्ट टाइप कुछ नहीं है, सब दिमाग का वहम है। अगर आपके दिमाग में घोस्ट है तो रियलिटी आपको लगेगा, नहीं है तो कुछ नहीं। जहां डर है वहां थोड़ा है ऐसी प्रॉब्लम, जहां डर नहीं वहां कुछ नहीं। तो गाइज ये दिमाग में रख के चलिए, बाकी बस यही है। और बाकी तो ये सब एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग बनाते हैं गाइज, आप लोग भी एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, एंटरटेन हो सको इसलिए देखते हो, बहुत लोग डर भी जाते हैं। तो ये है एक सिचुएशन, क्योंकि पता है देखो सबके अंदर डर नहीं होता था, 50% जो थे उनको पता होता था, सुपर पास लेते हैं 50% वो भी थे जिनको इसमें डर था, उनको कन्फ्यूजन था क्या है रियल क्या सच है, तो वो जानना चाहते थे गाइज। तो बहुत से मुझे डीएम मिलते थे तो इसलिए मैंने आज फाइनली वीडियो बना दिया है। तो वीडियो को आई होप कि आप लोगों ने वॉच किया होगा गाइज, तो चलो कोई नहीं। एंड बाकी अगर मेरी सारी मतलब मेहनत जो थी उसको आपको देख कर, आपको सुनकर लगा है कि हाँ बंदे ने क्रिएटिविटी की थी, तो यार एक लाइक कर देना। और जैसा मैंने बताया एम दिया आप लोग को 14-15 लाइक का, तो आई होप कि आप लोग कंप्लीट करवा दो गाइस, तो प्लीज कंप्लीट करवा देना। और साथ ही साथ गाइस कमेंट जरूर करना कि मेरी क्रिएटिविटी कैसी लगी थी, कैसा मैं मतलब बनाया करता था इफेक्ट, कैसा डालता था, डर लगता था कि नहीं। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं वॉच किया है, मैं फिर से बोला हूँ आई बटन में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और कुछ वीडियोस तो आपको ऐसी मिलेंगी, तो मैं प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा आई बटन में, तो वहां से मेकश्योर वॉच कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक सारी डाल दूंगा गाइस, तो वहां से भी वॉच कर लीजिए। और साथ ही साथ इन द एंड गाइस चैनल को मेकश्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए गाइस, बहुत मेहनत कर रहा हूँ अभी खासकर ब्लॉगिंग के लिए, तो यार थोड़ा सा हेल्प करो ग्रो होने में चैनल को। 500 का भी टारगेट रखा हूँ गाइस सब्सक्राइबर का, तो आई होप कि आप लोग कंप्लीट जल्द से जल्द कराओगे। यार जल्दी कराओ, मेहनत कराओ, शेयर करो जितना हो सके उतना शेयर करो, और थोड़ा खुद भी वीडियोस को देखो, लाइक करो, थोड़ा सपोर्ट करो, भाई को भी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बस बेल आइकन जरूर दबाना गाइस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बेल आइकन नहीं दबाते ना तो आपके तक कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि नोटिफिकेशन पहुंच सके और जो सपोर्ट मुझे चाहिए वो आप मुझे दे सके और खुद भी थोड़ा एंटरटेन हो सके। और गाइस मैं आप लोग को बता दूं, जितना आपका सपोर्ट रहेगा ना उतना ही मुझे हौसला मिलेगा वीडियो बनाने में, भी थोड़ा अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में, तो बस सपोर्ट करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू एंड गुड नाइट गाइस।